हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल न्यू और यूनिक फिंगरप्रिंट एनिमेशन, जिसको आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पे बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यूनिक फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगर ये वीडियो आज अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पे बहुत अच्छे अच्छे फिंगरप्रिंट एनिमेशन अप्लाई कर पाओगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी मेरा ये फ़ोन है, इस पर मैंने फिंगरप्रिंट एनिमेशन लगा रखा है, और जैसे ही मैं इस पर अपना थंब इंप्रेशन लगाता हूं तो आप देख सकते हो मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो सेम टू सेम इस तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप कैसे अप्लाई करोगे, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर, और वहां से आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर करना है इंस्टॉल, जिसका नाम है फिंगरप्रिंट लाइव एनिमेशन। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बड़े इजी तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसको ओपन। मैंने अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लिया था, और वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं बताऊँ सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में इसको अप्लाई कर पाओगे। जैसे ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो आपके सामने यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे विद वॉलपेपर के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर कंट्रास्ट के साथ आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप देख लोगे। मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, कम से कम ये मान लो 30-35 से ज़्यादा फिंगरप्रिंट एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको अच्छा लगता है सिंपली आपको उस पर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है कि पोजीशन आपको कैसे सेट करनी है, कितना इसका स्केल मतलब साइज को बड़ा करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर अपना फ़ोन को लॉक करता हूँ और लॉक करके देखता हूँ, तो मेरा फिंगरप्रिंट एनिमेशन अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले इसको यहाँ पर इसको सेट करना है, तो मैं इसको अप डाउन करके यहाँ से इस तरीके से सेट कर लूँगा, और यहाँ से मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ और डिक्रीज़ यानी कि घटा भी सकता हूँ। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये अपना साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लिया है। इसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट देखने को मिल रहा होगा, सिंपली आपको इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अप्लाई होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, और ये अप्लाई हो चुका है। एक छोटा सा ऐड देखने को मिलेगा, उसको स्किप कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉक लगाना है, और लॉक लगाने का चेक करना है कि हाँ देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल ये आपके फिंगरप्रिंट एनिमेशन के ऊपर लग चुका है। यहाँ आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन थंब इंप्रेशन करते हो वैसे ही आपका फ़ोन यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। तो सेट आप अपने हिसाब से कर लेना, अभी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, मैंने वीडियो में बता दिया है। आप अपने हिसाब से अपने फ़ोन में जिस तरीके का आपका फिंगरप्रिंट एनिमेशन शो होता हो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और इस तरीके की और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल विवेक टेक ऑफिशियल को, और शेयर करो अपने उन फ्रेंडों को जिनके फोन में फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।